आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास सिक्स की जो ग्रामर की बुक है उसकी रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ए की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पहले आप समझें। यहाँ दिया गया जो क्वेश्चन है उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो कहता है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग दैट एज अ कंजंक्शन। कहता है क्या कि ये दिए गए सेंटेंसेस को पुनः आप इसे लिखें इसमें तो इनडायरेक्ट स्पीच में। आपको इसमें केवल कंजंक्शन के तौर पे केवल दैट को ही यूज करना है। जहां जहां इन्वर्टेड कॉमास है उस इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आपको दैट का ही यूज करना है। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस कहीं मिल जाए तभी जाके आप इसमें दैट इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए नहीं लगाएंगे। अदरवाइज इसमें मोस्टली सेंटेंसेस में आपको दैट ही लगाने हैं। क्लियर? जो कि आपका दिया गया क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन भी इसी प्रकार से कहता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज कैसे करते हैं इसके लिए आप मेरे वाले चैनल पर जाके नरेशन चैप्टर मैंने पढ़ा के डाला है, पूरा का पूरा डिटेल्स में मैंने डाला है, उसे जाके आप देखें और आपको मेरे चैनल पर थंबनेल में भी आपको मिल जाएगा किसको बनाते कैसे हैं। फिर भी चलिए मैं क्वेश्चन को जरा समझाता चलूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि नरेशन को कंप्लीट करने के लिए, इस रिपोर्टेड स्पीच को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग बुक में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं इसको, किसी किसी बुक में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी चैप्टर दिया जाता है, किसी में नरेशन करके भी चैप्टर दिया जाता है। क्लियर? तो इसमें जो रूल्स होते हैं अभी आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम इसमें आपके पास नॉलेज किसका किसका होना चाहिए। तो टेंसेज के नॉलेज होना चाहिए, केसेस की नॉलेज होना चाहिए, पर्संस की नॉलेज होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उसके नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर वन की, क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि ही सेड आई मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ देखते हैं कि ही सेड जो है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। ही सेड जो देख रहे हैं ना इन्वर्टेड कॉमास से बाहर, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच या इसी को इंट्रोड्यूसिंग स्पीच के नाम से भी जानते हैं। आई मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, तो इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। और ये जो सेंटेंस देख रहे हैं ये डायरेक्ट स्पीच में होता है। डायरेक्ट स्पीच में कितने पार्ट्स हो गए? दो, एक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, एक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, राइट? तो जब भी अगर ये पास्ट में है, अभी देख रहे हैं ना पास्ट में दिया हुआ ही सेट रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, और इसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच मस्ट रहे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कि जनरल जो रूल है आपको ये बताता है। लेकिन मस्ट वाले में जब डीपली आप अगर पढ़ाई करेंगे तो इसके अलावा भी चेंज भी होता है, लेकिन अभी आप लोग का जो लेवल है उस लेवल के मुताबिक अभी मस्ट को मस्ट में ही रहने दें, इसमें कोई परिवर्तन ना करें। ही सेड दैट ही मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। दैट क्यों लगाए? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का असर्टिव सेंटेंस में है, राइट? तो ही सेड दैट ही मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। और याद रहे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के बाद सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसने कहा कि मुझे अवश्य ही स्कूल समय से पहले पहुंचना चाहिए। क्लियर? यहाँ इन टाइम का मतलब क्या होता है? समय से पहले, राइट? ऑन टाइम नहीं है। ही सेड दैट ही मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। और आई सेड टू हिम यू आर क्वाइट ब्रेव। कहता है क्या कि मैंने उसे कहा कि आप क्वाइट ब्रेव हैं, ब्रेव मतलब बहादुर। तो अब यहां सेड टू को किस में ट्रांसफर किए? टोल्ड में। तो आई टोल्ड हिम, सेड टू जब ही लगा रहे तो इसको हम टोल्ड में ट्रांसफर करते हैं। जब सेड टू रहा तो टोल्ड में, सेज टू रहेगा तो टेल्स, सेड टू रहेगा तो टेल। क्लियर? से कि मैं बात करूं कि से एंड टेल में क्या अंतर है, तो से जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, टेल जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। टेल के बाद आने वाला वर्ड हमेशा कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा, से में कोई जरूरी नहीं कि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए ही। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ सेड है, सेड के बाद अब टू लाया तब जाकर के फिर एक ऑब्जेक्ट का यूज इसमें किया है, राइट? लेकिन टोल्ड के जस्ट बगल में हिम आ गया, राइट? तो सेड को किस में ट्रांसफर किया? टोल्ड में। आई टोल्ड हिम दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो हिम है
तो जिस प्रकार यू जो सब्जेक्ट है उसी प्रकार हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। और यहाँ ये प्रेजेंट में चल रहा है तो ये पास्ट में चला जाएगा। ही के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। वो क्वाइट ब्रेव। आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज क्वाइट ब्रेव। नहीं कि मैंने उससे कहा कि आप क्या हैं? ब्रेव हैं, क्वाइट ब्रेव हैं। द मिनिस्टर सेड एवरीवन शुड रिमेंबर टू डू हिज ड्यूटी। अब यहाँ सूड लगा हुआ है, सुर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द मिनिस्टर सेड दैट, पुनः फिर आप यहाँ दैट ही लगाएं क्योंकि सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस में चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच का। तो द मिनिस्टर सेड दैट एवरीवन शुड रिमेंबर टू डू हिज ड्यूटी। नहीं, तो मिनिस्टर ने कहा या कहे कि प्रत्येक को याद रखना चाहिए कि वो अपना ड्यूटी ही करें। क्लियर। तो द ग्रोसर सेज दिस सोप इज द बेस्ट सेलिंग वन। कहता है क्या कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच जब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे द ग्रोसर सेज दैट, फिर अब यहाँ दैट इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस में है। तो द ग्रोसर सेज दैट दिस सोप, इसमें भी दिस को दैट में ट्रांसफर ना करें। दिस सोप इज द बेस्ट सेलिंग वन, इसको ऐसे ही करके छोड़ दें। ग्रोसर कहते हैं ये जो सोप है ये बेस्ट सेलिंग वन है। अब जब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल सेड लेट कमर्स विल बी रेप्रिमेंडेड। प्रिंसिपल सेड, अब यहाँ द प्रिंसिपल सेड के बाद दैट इसलिए लगा क्योंकि लेट कमर्स विल बी रेप्रिमेंडेड जो सेंटेंस है ये किस में है? असर्टिव में है, राइट। तो ये जब असर्टिव में है तो इसमें इस इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए बस दैट ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए जब दैट लगाएंगे तो दैट लगा के कैसे बनाएंगे वो जरा देखेंगे आप। चलिए तो यहाँ कहता है कि द प्रिंसिपल सेड दैट लेट कमर्स वुड बी रेप्रिमेंडेड। जब भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच में जब विल अगर यूज किया गया है तो उसके विल को हम किस में ट्रांसफर करते हैं? वुड में। तो द प्रिंसिपल सेड दैट लेट कमर्स वुड बी रेप्रिमेंडेड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। प्रीति सेज द वेदर इज प्लेजेंट टूडे। प्रीति कहती है कि जो वेदर है, कौन सा वेदर? आज का वेदर बड़ा ही सुखमय है, बड़ा ही सुखद है, प्लेजेंट है। तो जब भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में रहता है तो इस तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। इवन जो यहाँ वर्ड आप देख रहे हैं टुडे है तो टुडे में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे वाले चैनल पर नरेशन मैं पढ़ा के डाला हूँ, उसे भी आप देखें, गौर से देखें, तभी आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि जब भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब जब अगर पास्ट टेंस में रहता है अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में रहता है और रिपोर्टेड स्पीच में इस प्रकार के जब वर्ड्स दिए जाते जैसे कि दिस है तो दिस का दैट में ट्रांसफर हो जाएगा, दिस का दोज में ट्रांसफर हो जाएगा, हेयर का देयर में ट्रांसफर हो जाएगा, नाउ का देन में ट्रांसफर हो जाएगा, दस का सो में ट्रांसफर हो जाएगा, हेंस का देंस में ट्रांसफर हो जाएगा, टुडे का दैट डे में ट्रांसफर हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट में ट्रांसफर हो जाएगा, दिस डे का दैट डे में ट्रांसफर हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे या ऑन द मोरो, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, इस प्रकार से ट्रांसफर होगा। कब? जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहे तब। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो प्रेजेंट में है तो इसलिए टुडे को टुडे ही छोड़ दें। प्रीति सेज दैट द वेदर इज प्लेजेंट टुडे। क्लियर। प्रीति कहती है क्योंकि जो वेदर है आज का वो बड़ा ही प्लेजेंट है, बड़े ही सुखद है। अमित सेड आई थॉट ऑफ मीटिंग द स्कूल काउंसलर। अमित ने कहा कि आई थॉट ऑफ मीटिंग द स्कूल काउंसलर। नहीं, तो अमित सेड दैट, पुनः फिर आप इसे दैट लगाएं क्योंकि इस सेंटेंस मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस मेरा असर्टिव मोड में, इसलिए इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाएं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अमित क्या है, आप इसे लड़का माने तो लड़का के लिए हम ही लगाएंगे। क्लियर। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही थॉट, अगर आपका सेंस अगर थॉट से ही क्लियर हो जाता है तो थॉट छोड़ दें। लेकिन आई थिंक मेरे समझ से यहाँ ये सिंपल पास्ट है तो ये सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ही हैड थॉट भी लगा सकते हैं आप। क्लियर। तो अमित सेड दैट ही हैड थॉट ऑफ मीटिंग द स्कूल काउंसलर। क्लियर। इसे यहाँ हैड मैंने पेंसिल से लिखा है, ही के जस्ट बगल में हैड है एच ए डी, आप भी इसे समझें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
तो सेवन और तो बना दिए, अमित सेड दैट ही हैड थॉट ऑफ मीटिंग द स्कूल काउंसलर, नहीं। चलिए अब कहता है क्वेश्चन नंबर 8, अयाज सेड जीवन स्माइल्ड व्हेन ही रिसीव्ड हिज रिपोर्ट कार्ड। कहता है कि अयाज ने कहा कि जीवन मुस्कुराया जब वह अपना रिपोर्ट कार्ड रिसीव किया, राइट। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, तो अयाज सेड दैट, फिर अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है। ये जब असर्टिव है तो असर्टिव सेंटेंस भी जब अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहे तो इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगता है। तो अयाज सेड दैट जीवन, जीवन को जीवन ही छोड़ेंगे और सिंपल पास्ट में है स्माइल्ड, तो ये सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। सिंपल पास्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो जीवन हैड स्माइल्ड व्हेन ही रिसीव्ड, पुनः फिर भी यहाँ सिंपल पास्ट है, पुनः फिर पास्ट परफेक्ट, तो ही हैड रिसीव्ड हिज रिपोर्ट कार्ड। कहता है कि अयाज ने कहा कि जीवन मुस्कुराया जब वह अपना रिपोर्ट कार्ड पाया, क्लियर। यहाँ भी सेंस उसका यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन केवल लिखने के तरीका में केवल परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेकिन 9 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन इसमें है, ये 9 तक का 16 तक का जो क्वेश्चन उसको फिर मैं अगले वाले वीडियो में मैं डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्लियर। इसलिए इससे आगे वाले वीडियो में मैं आपको इसको डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जो नरेशन पोर्शन बना के मैं जो डाला हूँ उसके थंबनेल में भी खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, उस नरेशन पोर्शन को बढ़िया से आप देख लें, तभी आपको ये आसानी से समझ में आएगा। थैंक्स अ लॉट।